वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं नवीन। तो आज हम बात करेंगे ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो गाइस, आप ये लेक्चर्स काफी यूट्यूब पर पढ़ लिए होंगे, तो ये लेक्चर्स काफी ज्यादा डिफरेंट होगी उन सभी लेक्चर से। आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि आप जो ट्रिक आप पढ़ते हैं उस वाले ट्रिक को आप पहले तो कोई ग्राफ मेथड से बताता है आपको, जिसमें सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है। और दूसरी बात, इस वाले आपको ट्रिक में क्या होगा कि कोई चीजें याद नहीं करनी होगी। और दूसरी चीज जो है, और जो ट्रिक बताया गया है यूट्यूब पर, उसमें वो लोग एक नंबर पैटर्न को याद कराते हैं कि 01 मोबाइल नंबर इस प्रकार से याद कराते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो मान लो सब उसी प्रकार से बताते हैं, मैं भी उसी प्रकार से बताऊंगा। लेकिन मेरे वाले ट्रिक में जो है, आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग और कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब भी बताएंगे। प्लस अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम भी आ जा रहा है तो उनकी रिलेटिव जो एप्लीकेशन है उसको भी डिस्क्राइब बहुत इजीली कर सकते हो इस ट्रिक के मीडियम से। और इस ट्रिक में आपको कुछ नहीं याद करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिक को। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बेसिक्स, आप यहाँ मैं वीडियो से लिख दे रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। ये पैटर्न से आप एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, एक बटा दो, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ये है दो 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 और अंतिम में छह छह। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, यानी BMO इसको कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको कहते हैं ABMO। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये BMO और एक ABMO इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे और आप देखेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसके लिए जो बताया गया है, आप लिखेंगे एक बटा दो लास्ट रो को C1 जो कॉलम होगा उसका एलिमेंट घटाएंगे और लास्ट रो का C2 कॉलम का एलिमेंट घटा देंगे। ये चीज यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल में होते हैं, तो जैसे मैंने तीन एग्जांपल लिया, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 प्लस, इन तीनों की बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न पर आपको भरना होगा। बस यही थोड़ी सी आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। तो चलिए भरते हैं। तो देखिए, O2 प्लस के लिए जैसे ही आप भरना शुरू करेंगे तो एक बटा दो बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकलने हैं तो मैं तीन बताता हूँ, जिसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 गुना 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस एक प्लस चार्ज है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो 16 से एक गया 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना हो गया, 8 गुना 16 और एक माइनस चार्ज है तो एक जुड़ गया, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, O2 प्लस क्या होगा, 8 गुना 16, O2 2 प्लस हम कर लेते हैं क्योंकि ऊपर प्लस है, तो 2 से निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए पहले O2 प्लस के लिए करता हूँ। तो 15 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14, अभी एक भरना है तो लास्ट वाले में एक ही भरेंगे, 6 मैक्सिमम भराएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है 6 से ज्यादा नहीं भर सकते इस वाले रूम। तो इस प्रकार से देखेंगे, ये जो है BMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 6 2 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए। और कितने आपके ABMO में आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ABMO में आ रहे हैं। तो या तो आप बेसिक वाले ही फार्मूले यूज कर सकते हो, या तो आप लास्ट रो वाला भी घटा कर ले सकते हो। तो चलिए मैं लास्ट रो जैसे एक बता दो इसको इसमें से घटाते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, तो इसको करते ही आपका 2.5 आ जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार से जैसे ही आप O2 माइनस में निकालेंगे, O2 माइनस के लिए 3 बटा 2 बनाएंगे, O2 माइनस के लिए मैं निकाल रहा हूँ। ठीक, O2 माइनस के लिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 3 17, लास्ट रो को घटाना है। ऐसे ही आप देखेंगे एक बटा दो, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, यानी 1.5। इस प्रकार से देखिए बॉन्ड ऑर्डर लिख दे रहे हैं। ऐसे ही आपको निकालना होगा O2 2 प्लस के, तो इसमें देख रहे हैं आप 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। जैसे ही आप इसको भरना शुरू करेंगे एक बटा दो बॉन्ड ऑर्डर के लिए, 2 2 2 8 हो गए, फिर 14 ही भरना है, फिर इसमें 0, तो 6 माइनस 0 एक बटा 2 6 = 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा O2 प्लस का 3 के बराबर।
इस प्रकार से देख रहे हैं बांड डाटा आप बिना कुछ याद किए हुए एकदम एक्यूरेट निकाल रहे हैं, प्लस आप कितने आर्बिटल बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और कितने एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपलब्ध है उसको भी बता दे रहे हैं। इसका क्यों यूज होगा, क्योंकि कभी कभी आपको बांड डाटा सेम आ जाती है तो वहां पर आप जब स्टेबिलिटी चेक करते हैं कौन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है, तो वो चीज आप इसी एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को देखकर ही बताते हो। तो ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बहुत उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन एग्जांपल्स करेंगे, लगभग 15-20 कर देंगे जितने मुझे याद आएंगे मॉलिक्यूल। चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो इसका अगर आपने फोटो नहीं खींचा तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो ट्रिक का, और मैं बात करूंगा अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी साथ में करते चलेंगे। तो चलिए देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए सर्वप्रथम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, टोटल जो कि उसमें भी करते हैं बांड डाटा निकालने के लिए। फिर इसके बाद यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इवन है, इवन एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिख देते हैं हम 10 और 16 को छोड़कर, तो वहां पर आपका हो जाता है डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक। ठीक, और दूसरी जो केस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि 8 हो रहे हैं, इसमें इंक्लूड क्या होगा वही 10 और 16 जो है, तो यहां पर आप इसको कह सकते हो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ठीक इस प्रकार से आप बता सकते हो। जैसे ही आप लिख लोगे O2+ इन तीनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, जैसे O2+ 8 × 16 15 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसको देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है इसको कर लिखेंगे पैरामैग्नेटिक है। ठीक, और जैसे ही N2 देखेंगे 7 × 14 इवन है यानी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, 10 और 16 नहीं आना चाहिए नहीं तो वहां पर पैरा हो जाएगा। इसमें देखिए O2 2+, ठीक O2 2+ जैसे ही करेंगे तो यह 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसी बात में मैं O2 की बात कर रहा हूँ, 8 × 16 इवेन है लेकिन 10 और 16 आ गया तो 10 और 16 पैरा वाले में चला जाएगा, तो O2 जो मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये ट्रिक इस प्रकार से वर्क करती है। अभी मैं बात इसके बाद मैं बहुत सारे एग्जांपल करने वाला हूं, लेकिन बांड डाटा के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उनको भी थोड़ा बात कर लेता हूं। तो इसको थोड़ा सा आप फोटो खींच लीजिए, एग्जांपल से यहां पर सामने है, इसके बांड डाटा भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं। सो एप्लीकेशन ऑफ बांड डाटा, एप्लीकेशन ऑफ बांड डाटा को निकालने देखिए इसमें क्या है। बांड डाटा जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे बहुत चीजें से रिलेट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बांड लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n एनर्जी, ठीक, फिर इसके इन प्रोपोर्शनल लगा दीजिए बांड स्ट्रेंथ। इतनी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी आपका बांड डाटा सेम आ जाएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, बांड डाटा सेम आते ही आप क्या करेंगे एंटी बांडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखेंगे, तो स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी जिसके एबीएमओ आर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी बांड डाटा सेम आने पर, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, इस प्रकार से स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल को करते हैं, उसके बाद उसकी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी उसके सामने लिखते हैं। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल लिखते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स को शुरू करता हूं। जैसे ही मैं शुरू करता हूं लिखता हूं CO CO+ NO NO+
O2 प्लस O2 माइनस, फिर हम लिखेंगे F2, फिर हम लिखेंगे CN, यहां से लिखेंगे CN, CN प्लस, हम लिखेंगे N2 प्लस, N2 माइनस, O2, अरे N2 माइनस हो गया, फिर हम लिखेंगे N2, फिर इसके बाद हम लिख देते हैं F2 माइनस, फिर इसके बाद मैं और मॉलिक्यूल सोच कर बता रहा हूं क्या लिख दिया जाए। O2 के सारे सीरीज लिख देता हूं मैं, O2 भी लिख लेता हूं एंड O2 2 माइनस भी लिख लेता हूं एंड O2 2 प्लस भी लिख लेता हूं, 2 प्लस नहीं है 2 प्लस। चलिए इतने सारे मॉलिक्यूल को मैं कर लेता हूं, जितने भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे आप कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी निकालता हूं। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और इसके काम अधिकार मैं बॉन्ड ऑर्डर कामा प्रॉपर्टी लिखूंगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखिए CO कितना है, कार्बन में 6 होते इसमें 8, 8 6 14 है, तो 14 भरना है तो 2 इधर भर लेते हैं हम, 2 2 2 फिर भरेंगे 2 2 6 0, तो 6 में से 0 घटा 6 3, यानी 14 पे 3 हो गया, तो 3 लिखेंगे और 14 जो है वो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा डाया। फिर इसके बाद CO प्लस देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा इधर आपको दिखा रहा हूं जल्दी से बना कर एक घटा दो कर, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो CO में कितना आ जाएगा 6 और इसमें 8, 8 6 14, लेकिन अब क्या है यहां प्लस है, तो 14 से एक निकाल देते हैं क्या हो जाएगा 13, तो 2 2 2 2 8 8 5 13 0, जैसे ही करेंगे यहां पर ढाई हो जाएगा, यानी ढाई बॉन्ड ऑर्डर हो गया और 15 है इसलिए ये 8 नंबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके 13 है, इसीलिए से हम क्या कहेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहेंगे। NO क्या होगा 7 है इसमें 8 होता है, टेनिंग नंबर तो 8 7 15, तो 15 को भरने के लिए देखिए मैं किस प्रकार से भरता हूं, 15 को 2 2 4 हो गया, 6 हो गया 8 हो गया, 8 6 14 15, तो 6 माइनस 1 15 यानी 5 बटा 2 बराबर 2.5, जैसे ही इसको 2.5 लिखेंगे फिर इसके बाद देखेंगे इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे NO में इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। फिर इस प्रकार से NO प्लस देखिए, तो NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होंगे आपके 8 8 7 15, ये 14 में चला गया, यानी 14 में चला गया यानी एक यहां से हट जाएगा, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन में ये 0 हो जाएगा, तो जैसे करेंगे 6 बटा 2 बराबर 3, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा और ये 15 क्या, अरे 14 आपका इवन, अरे इवन नंबर है इसलिए ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। फिर इसके बाद O2 प्लस के देखते हैं, O2 प्लस को जैसे ही देखेंगे 8 गुना 16, एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी 15 है, तो 15 पे हमारा जो भरेंगे तो 15 के लिए यहां तक 14 होता है, यहां पर एक भर दीजिए तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5 बटा 2 बराबर 2.5, तो जैसे ही O2 प्लस निकालेंगे वो 2.5 हो जाएगा और O2 प्लस 15 इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। देखिए O2 2 माइनस, O2 2 माइनस क्या हो जाएगा 16 1 17 भरना है, यहां तक 14 है यहां 3 भर दीजिए, तो 6 माइनस 3 करना है तो अब 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बटा 2 बराबर 1.5 हो जाएगा, तो O2 माइनस का हो जाएगा 1.5 और 17 है इसलिए ये 8 नंबर है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। फिर इसके बाद F2 है 9 गुना 18 भरना है, यहां तक 14 है 14 4 18 यानी 6 माइनस 4 2 बटा 2 बराबर 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0 और 18 इलेक्ट्रॉन है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि 18 इवन नंबर है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। फिर इसके बाद मैं इधर वाली बात करता हूं, तो देखेंगे आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, CN है तो इसमें 6 और इसमें 7, 7 6 13, 13 भरना है, यहां तक 8 होता है यहां 5 भर दीजिए फिर इसके बाद 0, तो 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5 बटा 2 बराबर 2.5, तो इसका 2.5 हो जाएगा और इसमें आप 13 भरे हैं इसलिए ये 8 नंबर होता है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा।
फिर इसके बाद देखिए सी एन कितना है, 6 है और ये 7 है, तो 7 6 13, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी यहाँ पर 4 कर लीजिए 12 हो जाएगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 4 माइनस 0 बराबर 2 हो जाएगा, 4 बटा 2 बराबर 2, तो 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 12 है, इसलिए ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। फिर इसके बाद एन टू प्लस देखिए, एन टू प्लस में क्या होगा, देखिए एन टू प्लस क्या होगा, एन टू प्लस के लिए आप देखेंगे 7 × 14 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 13 हो गया, तो यहाँ तक 8 होता है, यहाँ 5 भरेंगे तो 5, इसके बाद 0, 5 में से 0 गया तो 5 बटा 2 बराबर 2.5, ये हो जाएगा 2.5, तो इस और यहाँ पर 13, इसलिए भैया हो जाएगा पहला मैग्नेटिक। एन टू माइनस हम बात करेंगे एन टू माइनस की, तो एन टू माइनस क्या हो जाएगा, 14 × 1 15 इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ तक क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 × 6 = 14 और 1 भरना है, इसको हटाना है, 6 − 1 करना है, बटा आगे जो 1/2 है उसको लिखना है, तो इसको जैसे ही हल करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा, तो जैसे ही 2.5 आया यहाँ पर लिख लीजिए, 2.5 होते ही ये हो जाएगा 15 है, पहला मैग्नेटिक है, ठीक। और देखिए क्या होगा, एन टू 14 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए 0 हो गया, यानी 3 हो गया और 14 भी डायमैग्नेटिक हो गया। फिर एफ टू माइनस है 19 हो जाएगा, क्योंकि 9 × 18 एक इलेक्ट्रॉन आ गया 19, और 19 को भरेंगे 14 × 5 = 19, यानी 6 − 5 = 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5, इसका 19 का हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। फिर इसके बाद आपका है O2 के लिए बात करें तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 यहाँ पर भर लेते हैं हम, जैसे 14 यहाँ 2, तो 6 − 2/2, इसको हल करते ही आपको पता चल जाएगा ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पर O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 होगा। और इसके बाद ये देखिए 16 है, हमने बताया था कि इवन नंबर है, लेकिन ये पैरा मैग्नेटिक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पैरा हो जाएगा, 10 और 16 को छोड़कर इवन है तो डायमैग्नेटिक, लेकिन 10 और 16 पे पैरा हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं O2 − यानी 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यहाँ तक 14 होता है, यहाँ तक 14 × 4 = 18, तो 6 − 4 = 2/2 बराबर 1, तो बॉन्ड ऑर्डर O2 − का 1.0 और 18, इसीलिए डायमैग्नेटिक होगा। इसके बाद O2 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 16 में से इलेक्ट्रॉन निकल गया 14, तो 14 यहीं पर होता है, 6 − 0 यानी 6/2, 6/2 बराबर करेंगे ये 3 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 होगा। और इसका जैसे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालेंगे तो 14 है इसलिए मेन है, तो अतः ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए मैंने कितने सारे एग्जांपल्स का पैरा डायमैग्नेटिक 1-2 सेकंड में आपको बता दिया है। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कैसे होता है, यहाँ पर देखिए N2- और N2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल सेम स्टेबल नहीं है, अलग अलग डिफरेंट स्टेबल है। यहाँ पर देखिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। चलिए इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भरकर समझ लेते हैं इसका लिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को जैसे ही भरते हैं 2, 2, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 13, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 15, तो 2, 2, 5 और 0, और इसको भरेंगे इस वाले को N2- के लिए, ये N2+ है और N2- के लिए मैं भर देता हूँ, तो इसके लिए भरोगे तो भैया 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 1, तो इस प्रकार से आप भर सकते हो। देखेंगे कि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5, तो जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में ज्यादा ऑर्बिटल होता है वो स्टेबिलिटी को अपोज करते हैं, अर्थात स्पिन को बढ़ाते हैं, जिससे एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की, और एनर्जी बढ़ जाने से स्टेबिलिटी गिर जाती है। तो N2+ जो होगा N2- से ज्यादा स्टेबल होगा, N2+ N2- से ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता हो गया कि इसमें 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और ये जो आप बता रहे हैं ये पिछले वाले ट्रिक और जो पुराने ट्रिक्स हैं यूट्यूब पर, उसके माध्यम से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं,
तो आपको वही डायग्राम बनानी पड़ती है जो बेसिक्स वाले रूल है, तो आप इस हमारे ट्रिक से सारी चीजें बता सकते हैं। यदि आपको और सारे प्रॉब्लम्स करने हैं तो आपको बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम दी गई हैं और इसके एप्लीकेशन पर आप बांड एडर से रिलेट कर सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बांड एडर आपको बहुत इजिली निकलवा दिया है कि अब आप बांड एडर को कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और आपको कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट से पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जेईई मेन नीड्स और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं आपके लिए जनरल साइंस के बहुत सारे जो छोटे एग्जाम्स होते हैं इधर उसके भी वीडियोस लाऊंगा। तो आप ऐसे वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चन को करते रहिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो।